गाइस ये मुझे लगा सिर्फ यही है निकलेगा, नीचे वाला भी साथ ही है। लॉक तो नहीं कोई टूटा उधर प्लास्टिक वाला। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी मोटर मार्केट, जैसा कि आपने पिछले मेरी वीडियो में देख लिया था कि यार वो मैंने बताया था ना आपको कि एक बलिनो वाले ने पीछे से ठोक दिया था तो मेरा बम्पर क्रैक आ गया, तो उसी चीज को रिपेयरिंग में कराने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से भी, इवन मैं सर्विस सेंटर पे भी गया था तो वहाँ खर्चा जो वो लोग बता रहे थे वो 9000 के आसपास बता रहे थे, और उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं आफ्टर मार्केट करा लूँ, एक वेल्डिंग प्लास्टिक होती है तो वो सही रहता है क्योंकि इतना सा पैच है उतने पैच वर्क के लिए पूरा चेंज करना ठीक नहीं है। इवन मैंने आप लोगों से भी सजेशन मांगा था तो कमेंट्स आए थे, तो मैंने चेक किए कमेंट, मोस्टली लोगों ने कहा है कि प्लास्टिक वेल्डिंग सही है, और कुछ एक लोगों ने कहा था कि नहीं आप पूरा का पूरा बम्पर चेंज करा लो जब मिल रहा है सर्विस सेंटर से। पर फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार अगर मैं पूरा चेंज करा लूँगा ना तो वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट यार 2-3 साल तक रहे ना ओरिजिनलिटी। अब वो पूरा चेंज हो गया है तो डुप्लीकेट ही ना, वो चीज़ फिर अपने आप को ही लगेगी कि ओरिजिनल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझ रहे हो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब मैं जा रहा हूँ प्लास्टिक वेल्डिंग कराने, और देखते हैं कितना खर्चा आता है। अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया के हिसाब से जो लग रहा है वो 500-700 मे बी 1000 वो आपको बताएंगे वहाँ चल कर के क्या होता है और कितना टाइम लगता है, तो वहीं चल रहे हैं। तो चलिए तब तक आप नज़ारे लीजिए सड़कों का। ये मुझे लगा सिर्फ यही है निकलेगा, नीचे वाला भी साथ ही है। हो गया लॉक तो नहीं कोई टूटा उधर प्लास्टिक वाला। तो भाई प्लास्टिक वेल्डिंग अपनी कंप्लीट हो गई है, जो हमारा बम्पर टूटा हुआ था। मैं एक्चुअली अंदर आ गया, मैं भूल गया आपको दिखाना, तो अभी चलते हैं बाहर, एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या सीन हुआ, कैसा लग रहा है। देख रहे हो, तो ये है भाई, ये है तो बराबर इक्वल हो गया, बट हल्का सा ना ये वो तो दिखेगा ही, वो भी कह रहा था पहले ही उसने बता दिया था, हल्का सा आपको दिखेगा तो इतना नहीं पता चल रहा, दूर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाल ऐसे पड़ा हुआ है। तो बट ठीक है यार, काम अपना प्रॉपर सेट हो गया, यहाँ पे सेटिंग भी प्रॉपर है,
ग्लाइडिंग वगैरह सब अंदर अंदर का पैनल भी ना, जो ये ग्लाइडिंग के अंदर एक और पैनल होता है प्लास्टिक का, वो भी टूट गया था, वो भी उसने वेल्डिंग कर दिया। तो प्रॉपर ठीक है, अब सेट है अपनी गाड़ी। तो पूरा जो खर्चा आया भाई 600 रुपये, बोला तो उसने 800 रुपये था बट निगोशिएट कर लिया मैंने, तो 600 रुपये लगे और वो आपने देख लिया। थोड़ा सा वो तो अब रहेगा ही, ठीक है ना, वो बाद में देखी जाएगी। वैसे वो बोल रहा था कि अगर आपने पेंट कराना है बाद में कराना होगा, बाद में करा लेना, अभी कराना था, अभी देख लो। मैंने कहा यार इतना बुरा लग नहीं रहा, रहने देते हैं, देखते हैं, लेट्स सो कि मतलब आगे आगे देखेंगे, अगर इन फ्यूचर में अगर कराना पड़ा तो करा लेंगे, बट इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना कि पहले लग रहा था। तो 600 रुपये में ठीक है यार, काम हो गया। तो यही था इस वीडियो में भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।